नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल खत्री डेयरी फार्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो, इस वीडियो में 10 गाय आपको दिखाएंगे अच्छे, और इसमें कुछ क्रॉस ब्रीड की भी आपको गाय दिखाएंगे। सतगुरु डेयरी फार्म से आज की वीडियो है, जो इनका एड्रेस है गाँव इनका 19FF तहसील श्री करनपुर डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान। मोबाइल नंबर इनके नीचे वीडियो में दिए गए हैं, जिन पर आप व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट कॉल करके आप इनसे बात कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी आप पशु के बारे में आप इनसे ले सकते हैं। मेन काम इनका पशु दिलवाने का है। ये जो डेयरी फार्म आप देख रहे हैं, सतगुरु डेयरी फार्म है। इनके फार्म से भी आप खरीद सकते हैं। अगर सतगुरु डेयरी फार्म से पशु आप खरीदना चाहते हैं तो इनके फार्म पर भी आपको बिक्री के लिए पशु मिल जाएंगे। लेकिन मोस्टली जो भी बाहर से पशुपालक आते हैं पशु खरीदने के लिए, उनकी पहली डिमांड यही रहती है कि हमें सीधा किसान के घर से पशु खरीदना है। तो आप बाहर से पशु खरीद सकते हैं इनके थ्रू, सीधा किसान के घर से अच्छा दुधारू पशु जायज कीमत पर आप खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में 10 गाय आपको दिखाएंगे, जिनकी दूध क्षमता 22 लीटर से लेकर के 26 लीटर दूध क्षमता है। कीमत 53,000 से लेकर के 63,000 के बीच की इनकी कीमत है, और 10 गाय बिक करके गुजरात जा रही है सतगुरु डेयरी फार्म से। और 100 में से लगभग जो है 90% इनके फार्म से जो पशु बिकता है वो गुजरात ही जाता है, क्योंकि 20-22 सालों से मेन काम इनका पशु जो है गुजरात में ही सेल ये कर रहे हैं। तो गुजरात के पशुपालकों को जो है काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस उनका रहा है, तो रेगुलर जो है वो आते रहते हैं, और पुराने जो है इनके साथ जो पशुपालक जुड़े हुए वही जो है खरीदते रहते हैं, और नए भी जो है साथ के साथ जो है पशुपालक इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में 10 गाय आपको दिखाएंगे। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं साफ सुथरा पशुधन आपको इनके फार्म से जो भी आप देखेंगे वीडियो, पिछली वीडियो भी उठा करके अगर आप देखते हैं तो साफ सुथरा पशुधन जायज कीमत पर ये बिक्री के लिए उपलब्ध करवाते हैं किसानों को, तभी जो है रेगुलर कंटिन्यू पशुपालक इनके फार्म पर आते रहते हैं। अच्छा पशु जायज कीमत पर ये बिक्री के लिए उपलब्ध करवाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कंडीशन गाय की, जो नीचे से अडर क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार है, चारों थन दूर दूर है, और लेवटी की क्वालिटी जो आप है वो देख ही सकते हैं, मुठिया थन है, चारों थन दूर दूर है। इस वीडियो में कुछ ग्याबिन और कुछ ब्याई हुई गाय आपको देखने को मिलेगी। 22 लीटर से 26 लीटर दूध क्षमता है इनकी। कीमत 53,000 से लेकर के 63,000 तक जो है कीमत है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा लगभग जो है पूरे भारतवर्ष के लिए उपलब्ध है। किसी भी राज्य में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहते हैं, जहाँ तक अलाउड है वहाँ तक ये आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। आप इनके फार्म पर विजिट कर सकते हैं। जो भी गाय आप खरीदना चाहते हैं, आपको 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करवाई जाएगी। अपने हाथों से आप मिल्किंग करके देख सकते हैं, 2 टाइम 4 टाइम जितनी मिल्किंग करके देखना चाहते हैं, जिस तरह की भी आपको गाय की ज़रूरत है। अगर आपको घर रखने के लिए राठी साहिवाल थारपारकर देसी नस्ल की जो गोदन है उनकी ज़रूरत है तो वो भी आप खरीद सकते हैं। राठी साहिवाल थारपारकर रेड सिंध इस तरह की गाय, ये आपको दूध व्यवसाय का आपका काम है, दुधारू आपको भैंस चाहिए, चाहे वो नीली रावी में हो, मुर्रा में हो, या फिर क्रॉस ब्रीड की जो भैंसें होती है राजस्थान की, वो भैंसें भी आप खरीद सकते हैं, या जो आपको हाई मिल्क यील्ड वाली जो गाय होती है जिसमें कि HF हो जाती है, या फिर जर्सी है, या फिर क्रॉस ब्रीड की जो गाय होती है, उस तरह की गाय भी जो आपको ये बिक्री के लिए उपलब्ध करवा देंगे। बाकी एक एक गाय को चला करके आपको दिखाया जा रहा है। इनमें कुछ गाय ब्याई हुई है, कुछ ग्याबिन है, HF और क्रॉस ब्रीड की ये गाय है, और लगभग पहले दूसरे या शायद ही कोई जो है तीसरे ब्याज की इसमें गाय होगी। कीमत इनकी 53,000 से 63,000 के बीच की इनकी कीमत है। इनके फार्म पर आपको रहने खाने की सुविधा मिल जाएगी। जो आप फार्म देख रही है सतगुरु डेयरी फार्म है, और इसी में जो है इन्होंने रहने खाने के लिए गेस्ट हाउस भी जो है पशुपालकों के लिए बनाया हुआ है, तो आपको किसी भी तरह की रहने खाने की कोई समस्या इनके फार्म पर नहीं आएगी। आप बेझिझक यहाँ आ सकते हैं, जो भी गाय जो भी भैंस आप खरीदना चाहते हैं, 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करके आपको यहाँ से पशु दिलवाया जाएगा। साथ के साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी मिल जाएगी, और यहाँ का जो पशु है इसमें बेनिफिट आपको ये होगा, एक तो अदर स्टेट से चाहे उसमें आप हरियाणा लगा लो या पंजाब, वहाँ से अगर आप पशु खरीदते हो और यहाँ से जो आप पशु खरीदेंगे उनमें डिफरेंस ये रहेगा कि एक तो कीमत आपको जो है यहाँ पर थोड़ी कम देखने को मिलेगी पशुओं की, प्लस जो क्वालिटी है वो भी लगभग जो है बराबर ही होगी, लेकिन जो यहाँ का पशु है, जो यहाँ पर पशु ने जन्म लिया है, जो यहाँ पर बच्चा पैदा होता है गायों का, या जो गाय है यहाँ की, वो शुरू से ही जो है यहाँ के माहौल में ढल जाती है, तो किसी भी तरह की उसमें क्लाइमेट जो चेंज होता है उसमें उसको बदलने में जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, सेट आराम से हो जाती किसी भी प्रकार के क्लाइमेट में। यहाँ पर गर्मी आपको पता ही है कितनी होती, 50-52 डिग्री तक जो है गर्मी में यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है, सर्दियों में सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हर प्रकार के क्लाइमेट में यहाँ का पशु आसानी से जो है सेट हो जाता है। बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ का जो जंगल है, यहाँ पर आपको अच्छा पशुधन जायज कीमत पर मिल जाएगा।
और यहाँ के जो पशुओं की खास बात है वो यही है कि हर प्रकार के क्लाइमेट में जल्द सेट हो जाता है, प्लस बीमार भी जो है ना के बराबर ही होता है। तो जो भी पशुपालक बाइक खरीदना चाहता है अच्छे तरीके से जांच परख करके आप खरीदें, कहीं से भी आप खरीदते हैं दो टाइम चार टाइम मिल्किंग करके देखें, जहाँ से भी आप खरीदते हैं अच्छा पशुधन खरीदें, जायज़ कीमत पर खरीदें। और आज की जो वीडियो थी इसमें 10 गाय ये बिक्री के लिए उपलब्ध इन्होंने करवाई थी जो कि गुजरात ही जा रही है पशुपालकों के घर। सतगुरु डेयरी फार्म से आज की वीडियो थी, जो इनका एड्रेस है वो गाँव इनका 19FF तहसील श्री करनपुर डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान। मिट्टी वगैरह लगा करके गाड़ी में आप देख सकते हैं, पहले भी मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ कि इस तरह का जो है मैनेजमेंट ये करते हैं पशुओं के लिए, नीचे मिट्टी बिछा करके अच्छी मोटी लेयर, उस पर पानी छिड़क करके फीड वगैरह जो भी होती है दाना चारा सब मैनेजमेंट जो काफ़ी अच्छी की जाती है, उसके बाद पशुओं को इसमें जो है लोड किया जाता है ताकि पशुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।